हेलो दोस्तों, आपका एक बार फिर स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल मोटिवेशनल ज्ञान में, जहाँ पर आज की इस वीडियो में हम जानेंगे अपनी मेंटल हेल्थ को किस तरह से इम्प्रूव किया जा सकता है। तो वीडियो से आखिर तक जुड़े रहिए और जानकारी अच्छी लगे तो आप इसे लाइक और शेयर भी जरूर करिएगा। दोस्तों, सेहत हमारे लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये हमें जीवन में वो सब करने देता है जो हम करना चाहते हैं, क्योंकि ये हमें शारीरिक और मानसिक शक्ति देता है। तो चलिए जान लेते हैं शक्तिशाली तरीकों के बारे में जिससे हमारी मेंटल हेल्थ इम्प्रूव होती है। मानसिक सेहत हमारे पूरे शरीर में एक बहुत बड़ी भूमिका निभाता है, इसलिए शांत और संतुलन की भावना बनाए रखने के लिए अपने रोज की दिनचर्या में सचेत श्वास को शामिल करना चाहिए। तो अब आप सोचेंगे कि सचेत श्वास क्या होता है। सचेत श्वास का मतलब होता है धीरे धीरे गहरी सांसें लेना। इससे हमारे शरीर और दिमाग रिलैक्स हो जाते हैं और तनाव कम हो जाता है। हमें दिन में 2 बार मौन में बैठने की आदत डालनी चाहिए, यानी कि चुपचाप बैठना चाहिए। ये हमें अपनी सांसों के माध्यम से हमारे शरीर में नकारात्मक भावनाओं को छोड़ने का मौका देता है। तो दिन में 1 बार ऐसा जरूर करना चाहिए। फिर सबसे बड़ा दुश्मन आता है हमारा जल्दबाजी में काम करना। जल्दबाजी अक्सर चिंता को जन्म देती है, क्योंकि जब हम जल्दी में होते हैं तो हम अपनी मानसिक शांति को खो देते हैं। इसलिए हमेशा जल्दी में मत रहिए, खास तौर पर अपने भोजन को लेकर। जब हम खाना खाएं तो हमें शांत और आराम से खाना खाना चाहिए। ये हमें तनावग्रस्त होने से बचाने में मदद करता है और हम अपने भोजन को बेहतर ढंग से पचा पाते हैं, जो कि मेंटल हेल्थ और अच्छे स्वास्थ्य दोनों के लिए जरूरी है। उसके बाद आता है नेगेटिव थॉट्स, नकारात्मक विचार। नकारात्मक विचार ये आने पर चिंता ना करें, अगर हो तो उन्हें रोकने के लिए बहुत ज़्यादा कोशिश भी ना करें। अगर आप ज़्यादा कोशिश करेंगे तो वो उतने ही ज़्यादा आएंगे। इसके बजाय जब भी नकारात्मक विचार यानी कि नेगेटिव थॉट्स आप पर हावी हों, तो अपने आप से कहिए, मुझे अब इस भावना को पकड़ने की जरूरत नहीं है, मैंने अब खुद को आजाद कर लिया है, मेरा मन साफ है और मेरा दिल शुद्ध है। फिर देखिए, धीरे धीरे नेगेटिव थॉट्स आपके दिमाग से बाहर निकल जाएंगे। चौथा है ताजी हवा और धूप। ताजी हवा और धूप में थोड़ा वक्त जरूर बिताना चाहिए। जैसे ही आप बाहर की ताजी हवा अंदर लेंगे, आपको अपनी ऊर्जा में बदलाव महसूस होगा। बार बार मन ही मन अपने आप से कहें, मैं अच्छे स्वास्थ्य का आनंद लेता हूँ। सेहत के लिए मानसिक रुकावटों और प्रतिरोधों को दूर करने के लिए ये जरूरी है और एक बढ़िया मंत्र भी है, क्योंकि ये आपके अवचेतन मन को अच्छे स्वास्थ्य के विचारों और भावनाओं के साथ प्रभावित करने में मदद करता है। इसलिए इसका नियमित रूप से जाप करना चाहिए। फिर है सबसे जरूरी पानी। आप जो भी पानी पीते हो, जो खाते हो, वो आपके शरीर और दिमाग का हिस्सा बन जाता है। हमें अपना भोजन और पानी पहले ब्रह्मांड को अर्पित करना चाहिए। ये सुनिश्चित करेगा कि इसमें मौजूद कोई भी अशुद्धियों को साफ किया जाए। इससे पहले कि आप पानी पीना या भोजन खाना शुरू कर दें, मानसिक रूप से पुष्टि करें, ये पानी और भोजन मेरे मन और शरीर को ठीक कर देता है, ये मुझे अच्छा स्वास्थ्य देता है। ऐसा करने से हमें इस भोजन और पानी से वास्तविक पोषण मिलता है। तो दोस्तों, ये थे कुछ टिप्स जिन्हें फॉलो करके आप अपनी मेंटल हेल्थ को इम्प्रूव कर सकते हैं। तो आपको वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा है तो आप इसे लाइक और शेयर भी जरूर करिए।